यस गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री के नाम से ही पता लग रहा है सरफेस। तो सरफेस का मीनिंग अपने आप में क्या है? जैसे ये मेरे पास कोई भी एक प्लेट है, तो ये अपने आप में क्या है? ये एक सरफेस है। तो अगर इसके ऊपर तुमने कोई भी चीज डाल दी है, ठीक है, तो अगर वो मान लो इस सरफेस के वो फैल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है या वो इसके ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है? तो उसे हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसका मतलब जो भी हम सरफेस के ऊपर अब डील करने वाले हैं, ठीक है, तो एक ऐसी केमिस्ट्री जो कि किससे डील करती है, जो कि हमारे सरफेसेस से डील करती है या दो चीजों से। जैसे मान लो मेरे पास एक लिक्विड है, उसका भी अपना एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है। तो अगर वो चीज तुम अगर इसके ऊपर डालोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फिनोमिना आ जाएगा ना कि दो सरफेसेस का यहाँ पे रिलेटिंग हो रहा है। तो इस चीज को जब भी हम देखते हैं तो वो अपने आप में क्या माना जाता है मेरे पास? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो जब भी मेरे पास दो बल्क फेजेस होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपना सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। याद रहेगा भाई? तो देखो अब ना मेरे पास क्या है, जैसे एक ये है, ये वाला सरफेस, और एक मेरे पास जो हम चीज डालते हैं, एक मेरे पास वो है। तो दो चीजें एटलीस्ट हमें चाहिए होती हैं। जैसे मान लो तुम कोई भी किचन के अंदर मैगी वैगी बना रहे हो, तो मैगी वैगी से थोड़ा सा भी कोई भी धुआं धुआं से निकलता है, वेपर वेपर से निकलते हैं। और मान लो अगर ऊपर वो नहीं है तुम्हारे, जो मतलब ऊपर एकदम ऐसी प्लेन से बना हुआ है, तो कभी कभी उसके ऊपर वो धुआं स्टिक करता है या नहीं करता है। 1-2 महीने बाद जाना तो मैं वो जो दीवार होगी ना वो थोड़ी चिकनी चिकनी सी लगेगी। तो वो चिकनी चिकनी सी क्यों लगेगी? क्योंकि धुआं जो आ रहा है वो बताओ उस दीवार के ऊपर स्टिक हो गया या नहीं हो गया? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस सर, तो इसका मतलब वो ऐसे चिकनी चिकनी सी होता है, उसका रंग भी चेंज हो जाता है दीवार का, थोड़ा गंदी गंदी सी हो जाती है वो। तो इसलिए लोग आजकल चिमनी लगाते हैं, राइट, तो ताकि वो जितना भी धुआं है सारा बाहर फेंक दे। ठीक है, तो इसका मतलब वो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम उसको बेसिकली स्टिक होने से बचाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ये गैस हमारे इस पर्टिकुलर सरफेस से अटैच हो जाए, क्योंकि उससे उसका शो खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या देखा जाए तो क्या सॉलिड सॉलिड के ऊपर स्टिक कर सकता है? यस बोलो। सर, बिल्कुल हो जाता है। क्या सॉलिड लिक्विड के ऊपर हो जाता है? आई मीन लिक्विड सॉलिड के ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गैस भी हो यस जाता है, सर, राइट। तो ये हमारे पास जो भी हम सरफेस के ऊपर अब डील करने वाले हैं, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे कोई भी एक लोहा होता है, तो लोहा मान लो एक बहुत बड़ी रॉड है, बहुत मोटी रॉड है, अगर उसके ऊपर जंग लग गया तो चुप हो जाओ, बारिश हुई है कहीं पे, तो बारिश के होने से उसके ऊपर ऊपर जो होगा वो जंग लग जाएगा, यस और नो? लेकिन क्या यस अब वो जंग अंदर भी लग गया इसकी गारंटी है? नहीं, नहीं ना। तो इसका मतलब ये सरफेस फिनोमिना हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर, बिल्कुल हुआ है। जैसे मान लो रेल की पटरी है, ठीक है, जैसे ये आरएन जाता है कभी रेल की पटरी पे, तो रेल की पटरी पे अगर ये जा रहा है तो अगर बारिश हो रही है तो बताओ, अरे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, रेल पकड़नी होती है, बात। ठीक है, तो जब बारिश हो रही है तो बताओ, तो रेल की जो पटरियां होती है तो उसपे जंग लग सकती है? लग सकती, बिल्कुल लग सकती है, अगर वो बारिश एलॉय की कर नहीं बनी है तो। क्या दो तो क्या कहाँ सही बात। वो तो तुम्हें ज्यादा पता होगा, पता नहीं कैसे हो सकती होगी जंग। ठीक है, तो मैं भाई इसके अंदर किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारे पास ये जो फिनोमिनाज है, ये हमारे पास है सरफेस फिनोमिना। अब देखो सबसे पहले ना हम दो चीजें इसकी, देखो ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है, वैसे मैं नोट्स दे दूंगा तो ऑफकोर्स इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है? इशिका, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, इशिका इस बार तुम्हारे नंबर तो ज्यादा खास आए नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? सुन नहीं आया, मैं क्या बताऊं? अरे यहाँ पे तो बच्चे एकदम गुस्से में चल रहे हैं। ये श्रेया, तुमने सबको अपने जैसा बना दिया है, देखो एक से बढ़कर एक जवाब आ रहे हैं। श्रेया तुम्हें सजा मिलेगी इस चीज की, तुम पे सैवेज। कार्यवाही की जाएगी कि तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो आके। अच्छा तो और किसकी गलती है फिर ये नंबर नहीं आ रहे हैं? तो ठीक है चलो हम पढ़ा रहे हैं, हमारी गलती है पूरी तरीके से, वेरी गुड। अरे सर, मैंने ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अरे अरे गुस्सा नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि कमी है तो एक्सेप्ट करो बस, कि हाँ सर गलती हो गई, ये करो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो कि सर आई एम सॉरी फॉर दैट। ये अच्छा लगता है मैं सुनने में, क्योंकि जब ऐसा होता है सर आपने तो तो थोड़ी ना चलो ठीक है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता इशिका, पता दिया। नहीं इशिका को क्या हो गया। मुझे लगता है कुछ लोग घर में रह के ना थोड़ा सा उनका शायद ये कुछ पोन्स और मेडुला जो होते हैं यहाँ पे वो थोड़े से डैमेज हो गए हैं, तो इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। कोई बात नहीं, चलो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, तो देखो ये था हमारे पास सरफेस का। तो सरफेस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? बाउंड्री होती है, ठीक है, तो और बाउंड्री जो है हमारे पास, तो कोई भी दो एक चीज दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, और यही हमारे पास पूरा सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर डील करेगा। ठीक है,
देखो भाई, अब ना दो चीजें आती हैं सबसे पहले, एक होता है मेरे पास एडजॉर्प्शन, एक मेरे पास होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एक में डी है एक में बी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि जैसे मान लो ये कुश कहीं पे जा रहा था, उत्तराखंड में जा रहा था, ठीक है, और ऊपर से बारिश हो रही है, तो अरे इसने तो सोचा कि क्यों ना रेनकोट खरीद लिया जाए, वरना गीले हो जाएंगे ना। तो इसने क्या करा, रेनकोट खरीद लिया। तो इसने देखा बारिश आ रही है, तो वो जो पानी है, तो वो पानी रेनकोट के ठीक ऊपर सरफेस पे है, या वो पानी रेनकोट के अंदर एब्जॉर्ब होके अंदर की साइड आ जाएगा? सरफेस सिर्फ सरफेस सरफेस पे ही है ना, अंदर तो नहीं आ पाएगा वो, बिल्कुल सरफेस सरफेस पे ही है, और सरफेस से 1% भी वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एड डी, ठीक है, तो जो सिर्फ सरफेस सरफेस पे रहता है इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जैसे मेरे पास ना एक सिलिका जेल होता है, ठीक है, अगर इस सिलिका जेल को तुमने रख दिया, तो सिलिका जेल एक्चुअली बहुत अच्छा मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्बर होता है। जैसे मान लो तुम्हारे रूम में ह्यूमिडिटी है, तुम सिलिका लेकर आए, तो वो सिलिका क्या करता है, जितने भी रूम की जो ह्यूमिडिटी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई कर देगा एटमोसफेयर को। तो बताओ उसके ऊपर जो अभी है ना, ठीक है, उसके सरफेस पे रहता है, सिर्फ सरफेस सरफेस पे। तो अगर ये सिर्फ ठीक उसके सरफेस सरफेस पे है, तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये एड्सॉर्प्शन हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं लिख रहा, तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा बताओ? एग्जॉस्ट एड्सॉर्प्शन माना जाएगा, राइट? लेकिन यस अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये आर्यन एक बार वो कर रहा था कि दो बूंद उजाला और उजाला से कपड़े धुल जाते हैं, मतलब एक ऐड कर रहा था कुछ, ठीक है, अच्छा तो ये दो आते नहीं वो दो तीन उजाला, तो उजाला जो डालते हैं इस तरीके से, तो मुझे बताओ कपड़े में अगर अगर तुम धो रहे हो, तो कपड़े को अगर धो रहे हैं, तो वो जो उजाला जो है, वो जो ब्लू कलर की शर्ट हो जाती है, तो थोड़ी व्हाइट के ऊपर हल्का हल्का ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो पहले लोग वो यूज करते थे उजाला, दो बूंद उजाला, पता नहीं तुम शायद नहीं जानते, ठीक है, तो वो सफेदी के आगे उजाला अभी तो ये हमारे भी तो पास आता है वो। हाँ अभी भी आता है उजाला का ऐड, दिल्ली पर लोग वो ये यूज नहीं सब करता शायद आजकल, कौन यूज करता है उजाला? ऐसे बोलते, यहाँ मुझे दो नहीं बूंद पता, उजाला पोलियो आपने डाला कि नहीं डाला, ऐसे बोलते। तुम चुप नहीं रहोगे बदतमीज बच्चे? ठीक है, थोड़ी ना है, ठीक है, दो डाला तो चलो डाला चुप हो जाओ, यस वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। या तो इसका मतलब वो जो कपड़े ने क्या करा, पूरा का पूरा वो एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो क्या है हमारे पास, वो एब्जॉर्प्शन है। जैसे मान लो श्रेया है, ठीक है, श्रेया एक दिन चाय पी रही थी और मूवी देख रही थी अच्छी वाली, तो एकदम से क्या हुआ, चाय इसके हाथ से नीचे गिर गई और वो चाय का कंच टूट गया, मतलब जो ग्लास था वो टूट गया, कांच टूट गया, कांच ठीक है। तो फाइनली और चाय गिर गई, तो मम्मी आई, मम्मी ने 2 दिन थप्पड़ मारे, बदतमीज बच्ची, जब देखो कंच कृति दीक्षा से बात तोड़ करती रहती है, चलो पोछा लगा। तो फाइनली की श्रेया आई, तो श्रेया जब फाइनली पोछा लगा रही, तो उसने देखा कि जैसे जैसे पोछा लगाया वो सारी चाय गायब हो गई। इसका तो मन था कि चलो पोछे से चाय निकाल के दोबारा पियेंगे, लेकिन दिया। वो तो पूरा पोछे में एब्जॉर्ब हो गया, निकल नहीं रहा है। तो ये देखिए कहाँ पे वो जाए, अब ऐसे दिखती थोड़ी है चाय कहाँ पे है, तो पूरी एब्जॉर्ब हो गई। तो बताओ इसका क्या रीजन है? यस श्रेया, अरे श्रेया नहीं है क्या क्लास में आज? एब्जॉर्ब हो गया वो हाँ एब्जॉर्ब हो गया, तो वो एब्जॉर्ब सिर्फ सरफेस पे हुआ या अंदर अंदर भी हो गया है? अंदर यस, तो ये मेरे पास है एब्जॉर्प्शन। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? सर। उजाला से अच्छा अभी मंडराल का मैसेज आया, हमने एक बार स्कूल में ऐसे गए थे, 10th 11th की बात है, तो ना लास्ट 11th में बैठते हैं, वहां पर उसके अंदर उजाला पड़ा हुआ था, तो अब खोरक तो तीस में तो हमने खोल खोल ऐसे क्लास में फैला दिया। अब स्टाफ ने कंप्लेंट कर दी, अब फिर हम ही पिटे बाद में, और क्या। चलो ठीक है, वैसे वहां पे उजाला क्यों था? वो तो स्टाफ जाने पता नहीं क्या कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, तो भाई चलो अब हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री पे, ठीक है। बहुत दिनों बाद हमें ब्लैक स्क्रीन देखने को मिली है। अरे रितेश आया है? सर अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो अब हमारे पास देखो, मैंने क्या बताया सरफेस केमिस्ट्री अपने आप में क्या होती है, तो देखो हमारे पास ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कि दो फेजेस के साथ डील करेगी, ठीक है ना, दो बल्क फेजेस के साथ। कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्क का मतलब होता है थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा। तो एक तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं, दो बल्क फेजेस की जब हम बात करेंगे, तो वही मेरे पास यहाँ पे क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और जो इन दो सरफेस के बीच में होता है उसे हम इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस के बारे में मेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब देखो, अब मेरे पास सबसे पहले चीज क्या आनी चाहिए, ऑफ कोर्स एडसॉर्प्शन,
एड्सॉर्प्शन, और एक मेरे पास क्या आना चाहिए, एब्सॉर्प्शन. ऑफ कोर्स एक आना चाहिए मेरे पास एब्सॉर्प्शन. जस्ट गिव मी वन मिनट. ओके. आर्यन वैसे इस बार तुम्हारे नंबर कम क्यों आए भाई? इसमें जब टेस्ट हुआ था? नहीं नहीं, किसी और चीज में. किसी और चीज? ऑफ कोर्स. वो क्यों नंबर कम क्यों आया? थोड़ा दिक्कत हो गई थी इसमें. ऐसी क्या दिक्कत हो गई तुम्हें इसमें? चलो ठीक है फिर. पढ़ नहीं पा. अच्छा अच्छा ठीक है. तो देखो ये मेरे पास है, तो मेरे पास एक है. तो देखो एड्सॉर्प्शन में मेरे पास देखो एक चीज ली जाती है नाम इसका. एक होता है मेरे पास सरफेस फिनोमिना और एक मेरे पास होता है बल्क फिनोमिना. ठीक है. तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ, एक है मेरे पास सरफेस फिनोमिना, एक है मेरे पास बल्क फिनोमिना, तो क्या लगता है तुम लोगों को? यस एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना और एब्सॉर्प्शन बल्क फिनोमिना. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दी फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग या रिटेनिंग दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस ऑन दी सरफेस ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉलिड. राइट. जैसे कोई भी ये सिंपल नहीं ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक लिक्विड है या गैस है या कोई भी सॉलिड है. ठीक है. सो फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी स्टेट ऑन सॉलिड सरफेस एक्चुअली या ऑन द बल्क सरफेस. तो ये मेरे पास क्या कहलाता है? एड्सॉर्प्शन कहलाता है. ठीक है. तो एड्सॉर्प्शन किसकी वजह से हो सकता है? सॉलिड की वजह से, लिक्विड की वजह से या गैस की वजह से? सॉलिड. अरे अभी तो बताया यार. अरे तीनों की वजह से हो सकता है. ठीक है. स्क्रीन कट रही है ये थोड़ी, मतलब छोटी आ रही है. छोटी आ रही है स्क्रीन? अब ठीक आ रही है? नहीं, वो जहां तक केमिस्ट्री लिखा ना अपने ऊपर वहीं तक आ रहा बस. चलो कोई नहीं. बाकी अट्रैक्शन दिख रहा है सबको? ठीक है. सो अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या अट्रैक्शन एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल. On the surface of सर कल हमारे टावर में ना पूरी क्या क्या कोरोना पॉजिटिव हुआ. अरे अब तो यार इतना कॉमन हो गया ना कि अब तो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार. मैं कहूँ आपने बताया ना. मतलब क्या मेरे टावर में? नहीं नहीं मेरे में. आपको पहले पता चल जाता है ना. अच्छा अच्छा. वैसे तो आजकल ना इतना एक्चुअली कॉमन हो गया है कि मतलब किसी को कुछ फील ही नहीं होता कि कोई भी कोरोना केस आता है. तो आजकल अगर आ भी जाते ना तो कोई एकदम ऐसे बिहेव करता है, भाई ये तो पता ही है. मतलब ऐसा हो गया है कि अगर किसी को हो भी जाएगा तो कोई एकदम नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसी वाली सिचुएशन आजकल ज्यादा हो गई है. सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ा. अरे आज तक और ये जितने भी चैनल हैं इनसे तो पूछो ही मत, ये तो नहीं गंद मचा के रखा हुआ इन लोगों ने. सबसे बढ़िया एनडीटीवी लगता है मेरे को तो, बढ़िया लगता है. चलो भाई आते हैं सिंपल. तो देखो ये तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपल ट्रैक्शन हो गया एक पर्टिकुलर सरफेस पे. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऐसी कि मेरे पास अगर एब्जॉर्प्शन दे रखा है तो एब्जॉर्प्शन के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा? यस एब्जॉर्प्शन के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा? तो एड्सॉर्प्शन के अंदर हम बोलेंगे कि सारे बच्चे लिख लें, फिनोमिना इन विच सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क द फिनोमिना इन विच सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. बल्क का मतलब होता है वही सरफेस की जो बात चल रही है. ठीक है. तो पूरे सरफेस में जो ऐसे फैल जाती है उसकी बात चल रही है थ्रू आउट द बल्क. ठीक है. अच्छा देखो अब अगर मैं एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल दूंगा तो एड्सॉर्प्शन में मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया था, किसी को याद है? वाटर वेपर्स ऑन सिलिका जेल. सिलिका जेल. तो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एड्सॉर्प्शन की बात करता हूँ तो वाटर वेपर्स
ऑन सिलिका जेल, ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए ध्यान रखना, पूछ लिया गया था कि क्या है सिलिका जेल, ठीक है। तो वाटर वेपर्स हो गया। अच्छा ऐसी मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक चारकोल होता है, कुछ लोग कारकोल बोलते हैं, ऐसे चारकोल होता है, तो चारकोल जो होता है ना एक्टिवेटेड, जैसे टीवी में एक बार एड भी तुमने सुना होगा कि ये बना है एक्टिवेटेड चारकोल से, एकदम ब्लैक ब्लैक चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। हाँ शायद पॉन्ड्स तो ठीक है, अच्छी बात है, भी ऐड आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल होता है, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर लेता है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कुछ ना कुछ का मतलब कोई सी भी टाइप की गैस होगी तो ये उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लो मेरे पास अमोनिया हो सकता है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस हो सकता है, ओ2 गैस हो सकता है, ठीक है। तो H2O2 और ये अमोनिया टाइप की जो गैस होती है ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब, एडजॉर्ब का मतलब जो मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से रहती है। अब देखो यार, देखो दो चीजें हैं, मान लो ये अपने आप में कोई एक गैस है, वैसे ऐसी होती नहीं है गैस, और ये मेरे पास एक सरफेस है, तो ऑफ कोर्स ये बात है सरफेस थोड़ा बड़ा होता है, राइट। तो इसका मतलब जिसके ऊपर मेरे पास एडजॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्ब बैंड, ठीक है। द सरफेस ऑन विच द एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्ब बैंड। जैसे सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, ऐसी ये है एडजॉर्ब बैंड। ऐसे होता है सॉल्यूट, तो ये होता है एडजॉर्ब बेट। सॉल्यूट से तो नहीं बन पा रहा है कुछ, लेकिन बैंड से बन रहा है, तो एडजॉर्ब बेट, ये है एडजॉर्ब बैंड। तो कौन सा किसके ऊपर आ रहा है, एडजॉर्ब बेट एडजॉर्ब बैंड के ऊपर आ रहा है, या एडजॉर्ब बैंड एडजॉर्ब बेट के ऊपर आ रहा है, एडजॉर्ब बेट बैंड के ऊपर आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, ये सबसे पहले लिखे एडजॉर्ब बेट, एडजॉर्ब बेट। ये वाला थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है तो क्या ही लिखे, ठीक है, नहीं लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा। तो एडजॉर्ब बेट में लिखे द सब्सटेंस accumulating at the surface of the solid, the substance accumulating at the surface of the solid, the substance accumulating accumulating at the surface of the solid during the adsorption is called adsorbate, is called adsorbate। और adsorbent के लिए हम क्या लिखेंगे, adsorbent the surface on which adsorption is taking place, the surface on which adsorption is taking place, it is called adsorbent। आर्यन तूने पूरी क्लास अटेंड करी थी क्या आज YouTube वाली, तुम्हारे दो तीन मैसेज तो मैंने देखे थे, शायद एक मैसेज तो देखा था तुम्हारा। सर पूरी नहीं करी थी, लास्ट में छोड़ दी थी मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, क्या रिपीट कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा वाला, दोनों या एक, दोनों। वेरी गुड, शाबाश। एडजॉर्ब बेट जो होता है दिस सब्सटेंस एक्यूमुलेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड द एडजॉर्ब बेट, द सब्सटेंस एक्यूमुलेटिंग on the surface of the solid during adsorption, on adsorption is called adsorbate, ठीक है। और adsorbent क्या होता है, the surface on which adsorption is taking place, ठीक है। जैसे तुमने वो मिठाई देखी है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं जब मिठाई बनाते हैं तो कुछ लोग मिठाई के ऊपर कुछ वो लगाते हैं, आई मीन कुछ छोटी छोटी से उसको अच्छा सा बनाने के लिए, जैसे वो होता है ना कोकोनट टाइप का, दूसरा वाला कोकोनट जो होता है गोला बोलते हैं शायद उसे हिंदी में, गोला वोला सा जो होता है, तो उसके ऊपर वो लगा देते हैं, तो वो अंदर तक जा रहा है या सिर्फ ऊपर ऊपर सर्फेस पे है, ऊपर ऊपर सर्फेस पे है बस शो ऑफ के लिए। हाँ तो सर्फेस पे, तो वो जो तुमने डाला है वो क्या है, एडजॉर्ब बेट, और जिसके ऊपर वो लगा है वो है एडजॉर्ब बैंड। तो ज्यादा कौन सा होता है, एडजॉर्ब बेट या एडजॉर्ब बैंड, एडजॉर्ब बैंड, ठीक है। अच्छा मान लो जैसे कि श्रेया है, इसने देखा कि चीची गोला, इन गोले को हटाओ मुझे पसंद नहीं है, ये सब गोला चिपक जाता है दांतों में, ठीक है। तो श्रेया ने क्या करा, पहले मिठाई दी इसे, तो सारी चीजें वो निकाल दी, ठीक है, पूरा ऊपर ऊपर का वो हटा दिया, अभी इसने नीचे का पूरा खा लिया एक साथ, तो अब इसका मतलब इसने तो वो पूरा एडजॉर्प्शन हटा दिया या और बढ़ा दिया, इसने एडजॉर्प्शन हटा दिया या और बढ़ा दिया, हटा दिया, हटा दिया ना। अरे भाई तुम्हें लोगों को इतना टाइम लग जाता है सोचने में,
एक बच्चों वाली भाई एक सिंपल कॉमन सेंस वाली बातें पूछ रहा हूँ, कुछ लोग तो सोचते रह जाते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, इतने खतरनाक वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या मैं कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। ऑफकोर्स हटा दिया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो श्रेया ने क्या कर दिया, डिसॉर्प्शन कर दिया। डिसॉर्प्शन का मतलब उस ऊपर जो चीज एब्जॉर्ब हो गई थी उस चीज को हटा दिया गया। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, जैसे वो आते हैं ना शायद मार्केट में देखोगे तुम्हें, रस रस आते हैं शायद, वो पापे बोलते हैं शायद कुछ लोग उसको, तो पापे आते हैं। तो इसने क्या करा, श्रेया ने कहा कि इसके ऊपर सॉस लगा के खाती हूँ, एक अलग टेस्ट आएगा। तो जैसी सॉस लगाई थी, घर वाले आए, दो तीन थप्पड़ मारे, कह रही ये सैंडविच है नया टाइप का पर रस सैंडविच। तो फिर फाइनली इसकी पिटाई हो गई, तो फिर इसने छुटा दिया ऐसी, ठीक है, हाथ से। तो वो अलग खाया फिर इसने, वो फिर उसको अलग खाएगी। तो फाइनली क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना, पूरा एड्सॉर्प्शन हट गया। तो इसी को हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो सारे बच्चे लिखे डिसॉर्प्शन में, DESORPTION डिसॉर्प्शन। सो लिखे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग an adsorbed substance from the surface, it is called desorption. The process of removing an adsorbed substance from the surface, it is called desorption. समझ में आ रहा है रितेश हम क्या बात कर रहे हैं ये सब? हाँ सर। ठीक है, और मैंने absorption में क्या बताया रितेश? जो सरफेस पे जो वेवर्स बनते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, बी बी। अच्छा, एब्जॉर्प्शन। अच्छा सर, अच्छा एब्जॉर्प्शन में जैसे मान लो अभी मैंने बताया था ये चाय गिर गई थी, तो हमने क्या करा, पोंछे से साफ कर दिया, तो एक तरह से वो सिर्फ सरफेस पे है, वो अंदर तक आ गया चाय। अंदर तक आ गया बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक तरह से बोला जाता है पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे अंदर तक। ठीक है ना, तो इसलिए एक तरह से इसे यूनिफॉर्म माना गया है। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखे व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन अ सब्सटेंस। अच्छा, मैंने लिखवा दिया है। हाँ। मैंने एब्जॉर्प्शन लिखवा दिया है क्या? तुम्हारी चाल यहाँ पे काम नहीं करी, दीक्षा के नंबर आ गए तो वो अलग बात है, तुम्हारा उससे मैटर है, तुम मेरे पे गुस्से क्यों निकाल लियो। ठीक है, आते हैं जॉप्शन पे, SORPTION। तो जॉप्शन की अगर बात करते हैं, देखो जॉप्शन में क्या होता है, वो क्या लगता है कोई बता सकता है जॉप्शन? दोनों साथ में होता है। हाँ हाँ, देखो तुमने एक चीज देखी होगी कभी कभी, जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, ये श्रेया थी, ठीक है, तो ये बहुत लेट उठी, तो अब घर वाले तो भाई ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट हमेशा टाइम पे ही देंगे 8 बजे 9 बजे, तो इसको हो गए 11 बज गए, तो घर वाले लेकर आए, तो जैसे ही इसे घर वाले चाय लेकर आए, तो एकदम से झटके में उठी, तो एकदम से चाय गिरा दी इसने, और वो चाय एकदम बेड पे गिर गई। तो बेड पे गिर गई, तो उसने नोटिस किया कि ये चाय ऊपर ही ऊपर है, इन्हें सोचा क्यों ना इसे कप में भर के फिर से पी लेंगे, तो पी तो सकती है ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे इसने दोबारा से कप को ऐसे किया दोबारा भरने के लिए, वो अब अंदर अब्सॉर्ब हो गया। ये कह रही ये क्या बदतमीजी है, जब तक मैंने नहीं भरा था तब तक वो ऊपर ही था, और जैसे ही मैंने भरने की बारी है, ये सारी की सारी चाय अंदर चली गई। ऐसा हो जाता है बहुत लोगों के साथ, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कहना इसे सबसे पहले वो क्या था, एड्सॉर्प्शन था, और वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था। अब जैसे तुमने वो निकाला, अब पूरा का पूरा क्या है, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले वो एड्सॉर्प्शन था, लेकिन अब वो अपने जो पोर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर जब तुम लेयर हटा लोगे तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि वो एब्जॉर्ब भी हो चुका है। तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन के अंदर दोनों ही चीजें हो जाएंगी, राइट? तो इनिशियली क्या होता है, एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? Absorb. ऐसा बहुत बार तुमने कोई बहुत सारी चीजें देखी होंगी, राइट? कुछ चीजें एकदम से पानी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, लेकिन बाद में हो जाती है। मान लो कुछ भी चाय पी रहे हो या पानी गिर गया एकदम टकरा के ऊपर, तो वो एड्सॉर्प्शन है, और फिर बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो क्या हो जाता है मेरे पास, फिर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में लिखे, ये बहुत ईजी चीजें हैं जो तुम पढ़ रहे हो, तो मेरे पास है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरे पास एड्सॉर्प्शन, एंड देन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक सेकेंड, हेलो, ये कौन है? हेलो सर,
ये कोई यहाँ पे दूसरे नाम से आ रखा है क्या? ये हेलो सर कौन है यहाँ पे? मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई है जो मस्ती के मूड में आ रखा है। कौन है ये हेलो सर के नाम से जो आ रखा है? हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं भी लिखूंगी तुम्हें हेलो। कोई भी तो नहीं है। अरे हेलो सर से मुझे मैसेज आया प्राइवेटली। सर चला गया। तो कोई नहीं है। ये कुछ को गड़बड़ कर रहे हैं मुझे पता है। दो तीन बच्चे, मजा आता है इनको ऐसी हरकत करने में। सुकृति तुम लास्ट क्लास में आई नहीं थी क्यों? सर वो मैं सिरप पी के सो गई थी, फिर मेरी नींद नहीं खुली। क्या पी के सो गई थी? सिरप। अच्छा अच्छा सिरप पी के सो, ओके ठीक है। मैंने सिर्फ इतना सुना कि तुम पी कर सो गई थी। ठीक है चलो गुड। ठीक है चलो ठीक है। क्यों ऐसा क्या हो गया तुम्हें? सर वो थोड़ा गला खराब है। गला या कोरोना वरना तो नहीं हो गया? नहीं नहीं कोरोना नहीं है। थोड़ा बच के रहे लोग, अगर सुकृति बुलाएगा चेरी काउंटी में मिलने के लिए तो थोड़ा ध्यान रखें। अरे मिले मैं बता रहा हूँ, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ। अरे ध्यान रखना पड़ता है ना सब बच्चों का। ठीक है तो ठीक है भाई। तो ऑप्शन क्या होता है सारे बच्चे लिख ले। इट मीन्स लिखे एच एच। ये कौन है ये? अभी रुको तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दो, रुक जाओ अभी तुम जो भी। ठीक है तो सारे बच्चे लिखे इनिशियली द एड्सोर्बेड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सोर्बेंट। सारे बच्चे लिखे इनिशियली द एड्सोर्बेड अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट एंड देन लेटर। अच्छा देन और लेटर। ओके 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 ठीक है ठीक है। इनिशियली द एड्सोर्बेड अपीयर्स ऑन द सरफेस adsorbate appears on the surface of adsorbent and then passes into the body of adsorbent. So it means adsorption changes into absorption. Adsorption पहले एड्सॉर्प्शन था, एड्सॉर्प्शन चेंजेस इनटू एब्सॉर्प्शन। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। भाई इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या? No, कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है? नो सर। ठीक है ठीक है। गुस्सा नहीं। ठीक है अब देखो, अब ना ये अब बेसिकली हमें जो पढ़ना है ना वो एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। अब ये एड्सॉर्प्शन क्या होता है? देखो दो टाइप के एड्सॉर्प्शन है, एक है फिजियोसॉर्प्शन, एक है मेरे पास कैमियोसॉर्प्शन। ठीक है तो फिजियोसॉर्प्शन, वैसे ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे बच्चों को एकदम टफ चीजें ज्यादा पसंद है। ठीक है क्योंकि इजी चैप्टर चल रहा है तो सब एकदम कैसे बोर हो रहे हैं। देखो अरे ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारे आईएलसी के बच्चों की खास बात है कि वो इजी चीजों पर बोर हो जाते हैं। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है और टफ चीजें होती है तो एकदम इन बच्चे सिंसियर रहते हैं, ऐसे मेरे को लगता है, बाकी पता नहीं। ठीक है और मनराल, अभिषेक मनराल। यस सर। एक रूल बनाया हमने, ठीक है जो भी रेड जोन में होगा वो अपने वीडियो ऑन करेगा। तो यहाँ पे तीन चार बच्चे हैं जो रेड जोन में है, तो चलो आज के लिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत लीनियंट हूँ और मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बन के रहना चाहता। लेकिन अगर अब की बार से ऐसा होगा तो ध्यान रखना रूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो होंगे। ठीक है तो सब बच्चों से बोल रहा हूँ, तुम लोग हिमांशु रही क्लास में तो सबके सब वीडियो ऑन करके रहते हो और जैसे ही मेरी क्लास आती है तो एकदम उल्टा काम करते हो। ठीक है तो देखो अब मेरे पास है एड्सॉर्प्शन, दो टाइप के होते हैं, फिजियोसॉर्प्शन और एक मेरे पास होता है कैमियोसॉर्प्शन। फिजियोसॉर्प्शन को हम बोलते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और कैमियोसॉर्प्शन को हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो देखो ये होता क्या है, फिजियोसॉर्प्शन का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, जब भी कोई भी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के ऊपर आते हैं ना तो ये वीकली अट्रैक्ट होता है। ये कहता है कि अरे भाई तू कौन है, कह रहा है मुझे क्या पता तू कौन है, तू पहले तो ये बता। तो ये दोनों ना आपस में कुछ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, मतलब ऐसी है कि चल ठीक है भाई तू भी रह मैं भी रहूँ, एक ही बात। ठीक है तो फाइनली इनके बीच में जो बॉन्ड होती है ना वो वीक वान डर वाल्स फोर्स होते हैं। वान डर वाल्स फोर्स तो वैसे भी वीक ही होते हैं, तो क्या इनके बीच में कोई ज्यादा बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं। क्या अगर ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो जो एंथैल्पी निकल के आएगी वो ज्यादा हो पाएगी क्या फिर? नहीं सर। तो इसका मतलब एक तो इनकी एंथैल्पी भी वीक हो जाएगी और ऊपर से इनके जो बॉन्ड होंगे वो काफी वीक होते हैं, तो इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, फिजियोसॉर्प्शन, ऐसी फिजिकली एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है अब आते हैं हम केमिकली, केमिस्ट्री केमिकली।
तो जो केमिस्ट्री की बात आ रहे हैं, मान लो अब तुमने कोई भी एक ऐसी चीज गिरा, जैसे देखना ये है बहुत जिद्दी दाग, इसके लिए तो आपको लेना पड़ेगा टाइट, ठीक है, वो आते ना जितनी सर्फ एक्सल एक्सल वाला, तो बहुत ही जिद्दी दाग से बचने के लिए आप लगाए चौक गए, हाँ वो ऐसे करता है कुछ, तो इसका मतलब जो जिद्दी दाग होते हैं तो वो जिद्दी दाग क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली अटैच है, एम आई राइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच है, अगर फिजिकल से हो तो एक बार झाड़ो कपड़ों को, झड़ गए सारे कपड़े, ठीक, क्या ढीट है, हाँ तुमसे सीख लिया बहुत कुछ उन्होंने, ठीक है, तो इसीलिए अगर अगर बीच में जो मतलब जो इनकी बॉन्डिंग जो हो रही है, अगर केमिकल बॉन्ड है बहुत अच्छा वाला, वंडरवॉल वीक होता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड लग गया या कोई सा भी बॉन्ड है, तो ऑफ कोर्स जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ जाएगा वो कैमियोज ऑप्शन, तो अगर ये केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बताओ ये जब अटैच हो जाएगा तो ज्यादा हीट निकल के आएगी या कम हीट निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी, ऑफ कोर्स ये भी कोई बात हुई बच्चों वाली बात है, ठीक है भाई, तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो ये कहता है कि बताओ कितनी हीट निकल के आएगी व्हेन यू टेक अ वन मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट ऑन एनी सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो आपने कोई भी एक मोल सब्सटेंस लिया, एक यहाँ पे डाला और आपने एक यहाँ डाला, तो किसमें से ज्यादा हीट निकल के आएगी उस एक सेकेंड, तो जिससे ज्यादा हीट निकल के आएगी वही मेरे पास क्या होगा, तुम चुप नहीं रहोगे एक सेकेंड आर्यन, ठीक है, मैं इतनी मेरी इतनी क्लास होती है मेरा गला बैठ जाता है, बताओ बोलते बोलते आराम से करो, हाँ वो मैं कर लूंगा आराम से, तुम चिंता मत करो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, सर ठीक है, तो अब अनन्या बताएगी, अनन्या तुम आजकल बहुत कुछ नहीं बोलते हो, यस अनन्या, हाँ देखो कितनी तेज आवाज आई है, ये अनन्या और ये जो ईशिका, ईशिका तो खैर गुस्से वाली हो गई आजकल, कोई बात नहीं चलो, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास एक क्या होता है एड्सॉर्प्शन होता है एक मेरे पास, अरे किस घर से आवाज आ रही है, लड़ाई हो रही है, अच्छा अच्छा इस घर से आ गया, ठीक है, तो अब मुझे जरा बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि सिलिका जेल पे अगर वाटर वेपर आ गया तो वो किसका एग्जांपल होगा, एड्सॉर्प्शन, और एड्सॉर्प्शन में क्या होता है बेसिकली, हाँ जब वो सिर्फ सरफेस सरफेस पे रहता है, राइट, तो इस चीज का सब बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई, बहुत ही बच्चों वाली बात है, तो अच्छा एक से अब दीक्षा बताएगी, दीक्षा ये मैंने जस्ट एक चीज बताई कि मेरे पास एक इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, तो मैंने क्या बताया उसके बारे में, कि वन मोल ऑफ सब्सटेंस आने पे कितनी हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो वन मोल अगर मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है मतलब एड्सॉर्बेंट है और अगर तुम उसे एड्सॉर्बेंट के ऊपर डालोगे तो कितनी हीट निकल के आएगी उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करना चाह रहे हैं, राइट एवरीबॉडी, यस सर, तो अब देखो सबसे ज्यादा जो हमें पढ़ना है तो वो पढ़ना है गैसेस के बारे में, कि गैसेस से बहुत सारा धुआं होता है, वो सरफेस के जो धूल मिट्टी लग जाती है ना कभी दीवारों पे, तो ये बहुत सारी गैसेस होती है जो कि इस पे क्या होते हैं स्टिक कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एड्सॉर्ब, आई मीन एड्सॉर्ब एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन, ठीक है, तो एग्जाम्पल आई मीन सारे बच्चे लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग, सारे बच्चे लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक कोई भी एक गैस है, ठीक है, और अगर वो कोई भी गैस एक पर्टिकुलर सरफेस पे अटैच होने जा रही है, तो अगर वो सरफेस पे अटैच होने जा रही है तो जरा बताओ कितने चीजों पे वो डिपेंड करेगा, क्या लगता है तुम लोगों को, सरफेस एरिया तो मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो, यस सर, ठीक है चलो और कुछ, बस सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर पे भी हो गया, तो टेम्परेचर पे क्या लगता है ज्यादा या कम, ज्यादा होने ज्यादा होगा, कम होने कम होगा, अच्छा फील तो ऐसी आती है पर अभी क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये मेरे पास है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं कुछ फैक्टर्स की, तो ऑफ कोर्स कुछ बच्चों ने बोला टेम्परेचर, बहुत ही सीरियस गए हमारा, ठीक है, वैसे इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत ही सीरियस रहते हैं मैंने देखा है, ये अच्छी बात है, मैं सीरियस होना, लेकिन इतना भी सीरियस मत रहा करो कि मतलब
इतना भी मत ना करो बस, ठीक है? अच्छी बात है थोड़ा सीरियस रहना, लाइफ में सीरियसपन जरूरी होता है लेकिन हमेशा नहीं। तो नेचर एंड सरफेस एरिया, अभी से बताओ, अभी तो 12th क्लास में हो, अभी से इतने सीरियस हो गए, आगे जब जिम्मेदारियां आएंगी लाइफ की, कॉलेज वाले में जाओगे तो पता नहीं फिर तो क्या हो जाओगे तुम लोग। वैसे मैंने बहुत लोगों को देखा जो 12th तक सीरियस होते हैं ना, कॉलेज में एकदम उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। कॉलेज में वो सीरियस को तो भूल ही जाते हैं कि सीरियस में कभी सीरियस भी रहता था। क्यों? एंजॉयमेंट इतना करते हैं वो कॉलेज में। ठीक है, हाँ हाँ आर्यन, तो टेम्परेचर हो गया हमारे पास, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट भी हो गया, राइट भाई? तुम क्या चीज ले रहे हो कि सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवा रहे हो, ऑफ कोर्स इसके बारे में डिपेंड करता है। क्या प्रेशर भी अफेक्ट करता होगा? ऑफ कोर्स करता होगा, अगर मान लो ज्यादा प्रेशर आएगा तो ज्यादा प्रेशर से गैस भी तो मेरे पास ज्यादा ही एड्सॉर्ब होगी, सिंपल सी बात है, राइट? यस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई ये गैस है, ठीक है, अगर कोई ये गैस से डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट, तो क्या ऐसा हो सकता है सच में कि अगर एक ही गैस है लेकिन तो मेरे पास मतलब अलग अलग टाइप के एड्सॉर्बेंट थे तो वो वहां पे भी अलग अलग टाइप तरीके से एड्सॉर्ब हो रही है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों? कैन आई से बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स? मान लो किसी सरफेस पे केमिकल बॉन्ड बहुत वीक रहे होंगे और किसी में बहुत ज्यादा रहे होंगे, एम आई राइट? जैसे कोई yes, भी है, तुमने ये एक चीज देखी होगी कि जैसे तुम्हारी जो जो गाड़ी होती है, गाड़ियों के ऊपर एक पेंट किया जाता है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन जो किया जाता है तो उसके ऊपर ज्यादातर चीज जो वो ना एक रिपेलेंट होता है, ज्यादातर चीजें उससे रिपेल होती है, अट्रैक्ट नहीं होती, तो अगर उसके ऊपर तुम कुछ भी डालोगे पेंट वेंट अपना कुछ भी तो वो उससे रिपेल होता है, तो क्या उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन ज्यादा देर तक टिक पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही चीज तुम्हारे घर की चद्दर हो कोई सी भी तो, या तुम्हारी शर्ट हो, वो तुरंत के तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब नेचर की टाइप के सरफेस पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है? और ऑफ कोर्स एक चीज और है, जितना ज्यादा मेरे पास सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्बेंट का, उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, एड्सॉर्प्शन भी होगा, राइट? भाई देखो ये चैप्टर मैं पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें नोट्स दूंगा बट स्टिल चीजें तुम्हें सुननी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, तो अगर मेरे पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन उतना ही मेरे पास ज्यादा कहा जाएगा, ठीक है भाई? अच्छा अब एक चीज तुमने देखी है कि अगर मुझे एक बात, अगर मेरे पास कोई भी एक मटेरियल वो पोरस है, पोरस, पोरस का मतलब क्या होता है, जैसे कपड़े होते हैं, तो कपड़े के अंदर कभी देखा है कि छोटे छोटे छेद बने होते हैं? एक दिन शरियाती शरिया ने देखा कि वो हैंकी, तो उसने हैंकी के अंदर झांक के देखा कि श्रेया और कृति कहां पर है, तो उसने देखा वो रे, इन्हें पहचान लिया, तो ऐसा कैसे पहचान लिया इसने हैंकी के अंदर से, तो इसने, अच्छा सॉरी सॉरी, दीक्षा और कृति, ठीक है? तो ये एक्चुअली ये कभी खुद ही भूल जाती है कि ये खुद ही श्रेया है। अब क्या करें, दोस्ती बाजी में ऐसा बहुत मोस्ट कॉमन होता है, लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं। नाम से तो देखा नहीं टीम में आता है कि मैं तो अपने आप को भूल गया, ऐसे ऐसे आते हैं सॉन्ग बहुत सारे, ठीक है? तो जब हैंकी से देखते हैं तो हैंकी के अंदर पोर होते हैं, तो उसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे पोरस बोलते हैं। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एक पोरस है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा या कम करेगा? ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए पोरस स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। तो जितने भी मेरे पास चारकोल होते हैं या जितना ही मेरे पास सिलिका जेल होता है, तो वो पोरस होता है या नहीं होता है? वो होता है पोरस, होता है, तो इसलिए वो एक अच्छे इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट कहे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि चारकोल और जो मेरे पास एक क्या होता है सिलिका जेल, तो ये जो होता है ना, ये मेरे पास बहुत ही अच्छे गुड एड्सॉर्बेंट कहा जाता है इनको, एड्सॉर्बेंट। व्हाई इज इट सो, कोई बता सकता है व्हाई? पोरस होते हैं, और पोरस का मतलब अपने आप में क्या है, दे हैव पोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा मेरे पास ना दो टाइप की मिट्टी होती है, कभी कभी तुमने देखा, अच्छा जैसे ईंट होती है, तुमने कभी नोटिस किया ईंट जो होती है, जैसे मान लो तुम लोगों को एक काम मिला मजदूरी वाला, ठीक है, घर बन रहा था कहीं पे, तो तुम वो कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो पानी डालते हैं ईंट के ऊपर, तो श्रेया ने एक चीज नोटिस करी कि इस ईंट के ऊपर मैंने बहुत सारा पानी डाला और वो पानी अब है ही नहीं, वो पानी अंदर एब्जॉर्ब हो गया। क्यों हो गया वो एब्जॉर्ब? तुमने कभी नोटिस किया है सच में ईंट के ऊपर पानी डालने से वो गायब हो जाता है?
पता नहीं कहाँ चला गया के अंदर चला जाता मतलब तो लोगों को लगता है गायब हो गया जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गणेश जी पानी पी रहे हैं ये सारी मूर्तियां पानी पी रही हैं ये जिधर पहुंच से था तो सबसे पहले पहुंच गई थी मंदिर में धक्का मार मार के कि सबसे पहले मैं दूध पिलाऊंगी गणेश जी को अच्छी बात है ये बहुत श्रद्धा की बात है अपने अपने ठीक है तो पोरस का मतलब फोर्स का हां हां बोलो बोलो तो जो नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं इट हैपेंस जब 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 कोई ज्यादा अच्छी दोस्ती की बात है तो उसके साथ ऐसी चीजें होती हैं कोई बात नहीं नहीं मैं पूछ रही थी कि ये जो फोरस वाले होते हैं ये जनरली जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही हो एब्जॉर्प्शन भी तो हो सकता है हां हां एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं क्योंकि वो जो हम फोटोसिंथेसिस करते थे तो लीव्स भी तो पोरस होते हैं तो वो तो एब्जॉर्प्शन ही करते हैं सनलाइट का हां हां कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कुल इतनी सारी बायो ठीक है एक्चुअली श्रेया इस तरीके से भी होता है जैसे मान लो ये सरफेस है ना तो ये पोर्स अंदर जाके यहाँ यहाँ पे जाते हैं ठीक है इस तरीके से अगर ये लीनियर होता तो पूरा अब्सॉर्ब हो जाता लेकिन इनके रास्ते तुम चुप हो जाओगे तो ये रास्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर तक ये रहता है ठीक है इसीलिए टेढ़े मेढ़े ठीक है तो ये इस तरीके से ऐड भी आता है क्या टेढ़े मेढ़े बिंगो मैड एंगल्स टेढ़ा है पर हाँ तो ठीक है ठीक है तो इस चीज का याद रहेगा अच्छा मुझे एक बात बताओ एक बड़ी सी मिट्टी है बड़े बड़े पार्टिकल्स है उस मिट्टी के और एक मिट्टी जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कभी नोटिस किया है बताओ जरा छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स वाले ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं छोटे छोटे तो इसीलिए हमारे पास जो फाइनली डिवाइडेड होता है पता नहीं मैंने ऊपर लाइन क्यों खींच दी ठीक है गलती से हो गया तो फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल रुक जाओगे ई लिखा है वो ऐसे करके ठीक है तो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस जो होते हैं अरे श्रेया सोच रहा था वो बिंदी क्यों लगी हुई है ऊपर अरे वो ई है ऐसे लड़की है ना तो ये मेरे पास गुड एब्जॉर्ब गुड एब्जॉर्ब बैंड्स होते हैं ठीक है एक्ट्स एज अ गुड ये चैप्टर यार मजाक है सच बता रहा हूँ मतलब बहुत इजी चैप्टर है मतलब इतना भी इजी नहीं है आगे जाके थोड़े ग्राफ से आएंगे ठीक है बाकी न्यूमेरिकल इसमें से एक भी नहीं है तो जिसको थ्योरी अच्छी लगती है वैसे तो मोस्टली चैप्टर थियोरिटिकल है ठीक है तो थियोरिटिकल मतलब थोड़े बहुत समझने भी हैं वरना बच्चों के मार्क्स थ्योरी में भी बहुत कट जाते हैं ठीक है यस तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है फाइनली डिवाइडेड मतलब इसके अंदर यस 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 प्यारी प्यारी बच्ची सर ये फाइनली डिवाइडेड जो लिखा है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं है हाँ हाँ ये फैक्टर्स अफेक्ट ये एक्चुअली जो मैंने लिया है ना पूरा का पूरा ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के अंदर लिया है ये पूरा का पूरा जो मैंने लिया है एक्चुअली मैं बोलता ज्यादा हूँ लिखता थोड़ा कम हूँ तो ये मेरे पास ये सब कुछ मैंने किसमें लिखा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में एक्चुअली इसमें मैंने सरफेस एरिया भी इंक्लूड कर लिया है ठीक है भाई तो ये एक चीज का ध्यान रखना है जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा तो ये सारे वही फैक्टर्स लिखे हैं मैंने किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर नो सर अच्छा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा क्या बिल्कुल करेगा तुम वाटर लेकर आए हो तुम ऑयल लेकर आए हो या तुम कोई भी पत्थर लेकर आए हो डिपेंड तो बिल्कुल करेगा तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है तो मेरे पास क्या चीज तुम एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हो उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स ये भी कोई बात हुई तो एड्सॉर्बेंट तो जरा बताना अच्छा ऐसा देखा गया है जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाती है मुझे एक बात बताओ क्या CO2 गैस लिक्विड फॉर्म में मिल सकती है थोड़ी थोड़ी CO2 लिक्विड CO2 तो सॉलिड में भी मिलती है ड्राई आइस लेकिन क्या CO2 को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं अरे वो देखा है अपने स्कूल में वो जो होता है फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है ऐसे करके ऐसे करते हैं तो उसके अंदर होती है CO2 गैस भरी हुई ठीक है तुम चुप हो जाओगे आर्यन भदौरिया ठीक है और इसी मेरे पास ऐसी अमोनिया भी होती है अमोनिया गैस तो लिक्विड फॉर्म में होती है तुम्हें पता ही है अमोनिया तो हम लोग खुद निकालते हैं हमारी बॉडी से रिलीज होती है ठीक है तो अमोनिया और इसी तरीके से मेरे पास क्लोरीन गैस तुमने देखा होगा स्विमिंग पूल के अंदर लिक्विड क्लोरीन मिलाते हैं वैसे तो वो पेप्सी वगैरह में भी CO2 होती है हाँ बिल्कुल होती है तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ तुम ये क्या बात कर रही हो तुम उसी बात को दूसरे एग्जांपल दे हाँ हाँ तो प्यार से दो ना एग्जांपल कि हाँ सर वहाँ पे भी होती है सर तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी बात का अपोजिशन में बैठ के जवाब दे रही हूँ ठीक है बिल्कुल सही बोल रही है वेरी गुड
तो ऐसा देखा गया है जो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाती है वो ज्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब होती है. तो कैन आई से इजिली लिक्विफाई की स्पेलिंग क्या होती है? लिक्विफिएबल. सही लिखा है ना श्रेया? सही होगा वरना इतना मैं तो बोल देती. तो सच है CO2 इसको खुद नहीं पता हो. अच्छा, भाई हाँ, मुझे लग रहा है वो वाली थी चेक कर रही होगी. देख रही हो तो मैं श्रेया ये तुम देखो अच्छा सिल्ला दिया मेरी दोस्ती का. ठीक है चलो अच्छी बात है वेरी गुड. इजिली लिक्विफाइबल गैस जो होती है CO2 NH3 एंड Cl2 तो ये क्या होते हैं इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है. हम यहाँ पे मेरे को लगता है कि हम जब तीन चार लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं ये बाकी लोग क्या करते हैं? तुम लोग बोर नहीं होते बाकी लोग? एक सेकंड जरा बात करते. अच्छा दीक्षा ये जो नाम है क्या नाम है इसका प्यारे मेरे बच्चे का? आदित्य. ये आदित्य अकेला रहता है क्या क्लास में जैसे ईशान अवस्थी रहता था? नहीं नहीं इसका पूरा गैंग है. अच्छा पूरा गैंग है इसका? ये बात तो ये मुझे ऐसा लगता है एकदम सीरियस टाइप का रहता है, किसी को मतलब नहीं रखता. अरे नहीं नहीं शिक्षा गैर लीडर तो मैं ही हूँ. आर्यन को बिल्कुल एकदम वैसा हो गया है कि बिल्कुल सही पिटेगा ये किसी दिन. चलो ठीक है या देख लो बेटा आर्यन ये कह रहा है कि काव्य है अभी. ठीक है चलो भाई ठीक है. नहीं यार वो बोल सकते हैं ना कि इसको मानने से पहले तेरे को मेरे से गुजरना पड़ेगा तो फिर तो बोलती है बोल भी देगी. अच्छा भाई देखो एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है सारे बच्चे. एक ना मेरे पास मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हर एक गैस का. ठीक है तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर में एक एक पर्टिकुलर एक ऐसा टेम्परेचर माना गया है जिसपे क्या होती है कोई भी जो गैस होती है ना तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है ज्यादा एड्सॉर्ब होती है. ठीक है किसी भी सरफेस के ऊपर तो एक हर किसी पर्टिकुलर गैस का अपने आप में एक टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में वो मैक्सिमम एड्सॉर्ब हो जाती है. ठीक है तुम्हें पता है जैसे मान लो कोई भी गैस एब्जॉर्ब हो गई अगर मान लो तुमने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो गैस फिर लिक्विड के रूप में भी तो गिर सकती है. नहीं आया समझ? भाई गैस जो होती है तो गैस को तुमने हाई टेम्परेचर दे दिया तो लिक्विड ही बन सकता है फिर. Yes, sir. या मान लो तुमने थोड़ा सा कूलिंग भी कर दिया तो भी कुछ हो सकता है. तो एक एक अपने आप में ना एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई भी गैस जो होती है वो मैक्सिमली एड्सॉर्ब होती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. तो एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है तो ध्यान रखना हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर तो एक टेम्परेचर है तो एक्चुअली हम एक ऐसा टेम्परेचर देते हैं जितना ज्यादा हम वो करेंगे उतनी ज्यादा मेरे पास वो कोई भी गैस होती है वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगी. ऑल्दो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ वैसा वाला सिनेरियो भी है कि अगर आपने कुछ सैचुरेशन पॉइंट की बात कर दिया तो वो फिर ऑफकोर्स ही बात है एब्जॉर्ब भी हो सकती है चीजें. लेकिन स्टिल एक जनरल बात के लिए ये लाइन भी हम ठीक बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस इंक्रीजेस एरो बना रहा हूँ increases on the surface. ठीक है भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? No sir. ठीक है अब देखो अब ये तो चलो हमारे पास बात हुई simple. एक मेरे पास अब देखो जैसे मैं temperature की बात करता हूँ मुझे जरा एक बात बताओ थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे. क्रिटिकल टेम्परेचर अपने आप में अलग है अब इसको छोड़ दो नॉर्मल टेम्परेचर से रिलेशन मत समझना. ठीक है अब देखो जैसे मेरे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर है मान लो कोई भी एक गैस है. ठीक है ये गैस एब्जॉर्ब हो गई इसके पास. ठीक है ये कोई गैस आई और इस सरफेस पे अटैच हो गई है. अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो यहाँ के पार्टिकल्स हैं उनमें जरा सा मूवमेंट आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. मैंने तुम्हें बता रखा है अगर तुम ऊपर कपड़े उतारने के लिए गए हो मतलब रस्सी पे कपड़े कपड़े लगे हुए हैं और वो कपड़े तुम उतारने के लिए गए हो तभी से मत करो नॉनसेंस बच्चों. तो अगर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो रखा है एक काम करो पहले सारे हंस लो फिर उसके बाद बात कर लेना. ठीक है तो अगर तुम ऊपर रस्सी से कपड़े उतारने के लिए गए हो और बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है और तुम नंगे रस्सी तो अगर धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है तो तुम जल्दी उतारोगे कपड़े या बहुत धीरे धीरे करके? ऑफकोर्स जल्दी जल्दी उतार के नीचे ले आओगे. सिंपल सी बात है. तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर से हमारे पास काम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ज्यादा बढ़ जाएगी. तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है यहाँ पे अगर जो पार्टिकल्स अगर हाई टेम्परेचर है तो वो पार्टिकल मूव करने की टेंडेंसी की तरफ आ जाएंगे. जब मूव करेंगे तो फिर तो वो यहाँ से निकल जाएंगे ना.
नहीं आया समझ। अच्छा गांव में क्या होता है, गांव में जैसे मान लो गांव में ना ये सब नहीं आते, विम बार और ये बार वो बार, तो गांव में क्या करते हैं अगर कोई से कपड़े धोने होते हैं ठीक है, या फिर अपने ये कुकर वोकर भी साफ करने होते हैं, तो वो पता गैस के ऊपर ना गर्म पानी करते हैं, और गर्म पानी से वो कपड़े धोते हैं, गर्म पानी से वो कुकर धोते हैं, ऐसा क्यों? गर्म पानी से क्यों धोते हैं वो, क्या लगता है तुम्हें? पानी में बैक्टीरिया नहीं होता ना क्या, ताकि जो दाग है वो मतलब छूट जाए? हाँ, तो गर्म पानी से इसका मतलब जो गैस एब्जॉर्ब हो गई थी, जो लग गई थी सब्जी अब्जी तुम्हारी, तो गर्म पानी से वो छूट जाएगी ना, फिर से एकदम साफ हो जाएगी, तो यही है इसलिए। yes, तो हाईर द टेम्परेचर, तो जो उनकी गैस की मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल एनर्जी होती है वो बढ़ने से वो अपना सरफेस छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कौन बच्चा है, ये HH, ये देखो क्या बोल रहा है, सर केमिकल काइनेटिक्स कब होगा, या तो ये जानबूझ के बोल रहा है। ये HH कौन है भाई, नाम बताओ सत, तुम अभी निकाल देंगे, ध्यान रखना। फिर ये कुछ बच्चे आ जाते हैं रैंडम किसी स्कूल से और ये यहाँ पे लिंक दे देते हैं और यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। ये पता है HH कौन है, ये कुश लग रहा है मुझे। कुश कहाँ है यहाँ पे, क्लास के अंदर है कुश? कुश तो है का, लेकिन ये कुछ तो गड़बड़ है। ये HH के नाम से कौन आया है? HH तो चलो मैं सोच भी लेता कि शायद हिमांशु सर आ गए हो, HH से क्या हो सकता है? ज्यादा फीलिंग में है कोई भी HH गया, वो चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, ये श्रेया तो बताओ हाई टेम्परेचर से क्या होता है? पार्टिकल्स मूवमेंट में आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, निकलने लगते हैं सरफेस से, तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया, कम हो गया, बिल्कुल सही। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, ये आदित्य मैंने सुना तुम्हारी पूरी गैंग बनी हुई है स्कूल में, ये सही बोल रही है क्या? कौन? ये एक बच्ची बोल रही है। गैंग मतलब ऐसा गैंग मतलब पूरा दोस्त। अच्छा, दोस्त हैं बस, वो पीछे बैठते हैं ऐसा। अच्छा, तुम बैक बेंचर हो क्या वैसे? यस। अच्छा, नहीं सर, वो मैं एक दो महीने थोड़ा लेट आया था क्योंकि मैं किसी और क्लास में चला गया था, तो इसलिए। तुम किसी और क्लास में चले गए थे क्यों? यस सर, ऐसी मतलब मेरी छोटी किस्मत है, पता 10th में जब मैंने एडमिशन लिया ना, तो मैं और मनराल एक ही दिन पे आए थे, मतलब हम दोनों नए थे। अच्छा, तो मेरे को पता नहीं था कौन कैसा है, और मैं जाके बैठ गया आदित्य के साथ, आदित्य और उसका दोस्त अच्छी बात है। देखो भाई, आते हैं टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर अगर मेरे पास इंक्रीज हो गया है तो ऑफकोर्स क्या चीज कम हो जाएगी मेरे पास? एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो वो बहुत सी, और इसका रीजन क्या दोगे अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा, तो क्या रीजन दोगे तुम इसका? पार्टिकल एक्साइटमेंट में आके निकलने लगे। एक्साइटमेंट में आके, एक्साइटमेंट हॉट हो जाता है ना, मूवमेंट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो जो थर्मल एनर्जी होती है वही एक्साइटमेंट ही बोल सकते हैं उसे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा जानती होगी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो मूव करेगा और वो अपने सरफेस को छोड़ देगा। तो इसका मतलब एड्सॉर्प्शन आए थे बढ़ाने और तुमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, और एक चीज तो मैं वैसे भी पता है, एक ले चैट लिए प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, ऑल्दो मैं एक यूट्यूब के सेशन में भी लूंगा, तो ध्यान रखना जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा डिसॉर्प्शन होता है। ये एक बात बताओ, उसने सरफेस छोड़ दिया, खुद ही उन्होंने सरफेस छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, डिसॉर्प्शन नहीं हुआ? Yes, sir. Desorption क्या होता है? Removal of the adsorption, removal of the adsorbate on the adsorbent या from the adsorbent? नहीं आया समझ? हाँ, तो इसका मतलब अगर तुमने temperature बढ़ा दिया तो desorption ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? ज्यादा, desorption ज्यादा हो जाएगा। Is that clear everybody? तो ये इस तरीके से इसका temperature का effect है। अच्छा, अब देखो ना, एक ना मेरे पास last effect है, जिसे हम pressure बोलते हैं। Pressure के effect को ना, एक हमारे पास पूरा पूरा एक scientist है, उन्होंने isotherms दिए, ठीक है, और अभी आगे जाके हम और टाइप के ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हें एक कुछ ग्राफ देखना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यस दिव्यांश, यू रेज योर हैंड, डू यू हैव एनी डाउट?
गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से। ठीक है सर, देखो ये हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है। वैसे ऑलमोस्ट देखो तुम्हारा फिजिकल और ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिक वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को? मतलब ऑलमोस्ट तुमने 70% पोर्शन कवर कर लिया है, तो उसी में से 70% का पेपर उसी में से आना है जो तुमने अब तक पढ़ा है, तो कैसा लग रहा है कि हो जाएगा? ऑर्गेनिक छूट गई है पूरी। अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ी ही नहीं। वो बोला था आपको रिवीजन कराने के। बिल्कुल कराएंगे, मना नहीं कर रहे हम, बिल्कुल कराएंगे हम रिवीजन। ठीक है, पेपर कब है तुम्हारे? पता नहीं, सेकंड वीक में होंगे, सितंबर के डेट। 14 से। अच्छा अच्छा, तुम्हारा तो पूरा ही सिलेबस आ रहा है, तुम्हें क्या ही बोले हम। देखो एक ना मेरे पास इस तरीके से मेरे पास ग्राफ है, तो ये प्रेशर को देखते हुए है, ध्यान रखना। देखो देखो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, मान लो ये है मेरे पास प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर पे भी टेम्परेचर का फर्क पड़ता है प्यारे प्यारे बच्चों। अगर तुमने अपना प्रेशर बढ़ाया तो ऑफकोर्स अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ गया, ये बात सबको पता लग रही है, देख रहे हो। अगर तुम सिर्फ एक ग्राफ बनाते ऐसा, तो इसे सब पता लग रहा है कि जब प्रेशर कम था तो एडसॉर्प्शन कम हुआ, और जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो एडजप्शन हो गया। लेकिन अब उसके अंदर भी अगर तुमने टेम्परेचर कम या ज्यादा कर दिया तो उससे फर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो अपने आप में टेम्परेचर की वजह से भी चीजें होती है, तुम्हें पता ही है ऑफकोर्स। अगर तुमने ये टेम्परेचर अपने आप में ज्यादा या कम है? कम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब जब T3 ज्यादा होगा, ये T3 ज्यादा होगा तभी तो ये एडसॉर्प्शन कम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो वो तो सरफेस से निकलने लग जाएगा ना। यस, तो T3 अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा दिया है तभी तो ये एडसॉर्प्शन की वैल्यू कम आ रही है यहाँ पे, वरना तो T1 की तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब T1 टेम्परेचर क्या था? कम था। तो कम था तो वो सरफेस से निकला ही नहीं, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा हो गया। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। ठीक है बस, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बस एक छोटी सी चीज और है। अच्छा कभी कभी आता है कि एक सरफेस तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्मूथ है और एक सरफेस तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रफ है, तो ज्यादातर चीजें कहाँ पे अब्सॉर्ब होती है, स्मूथ में या रफ में? क्या लगता है? रफ वाले में ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि स्मूथ, देखो जब भी तुम्हारे घर में जब ये बनता है ऊपर, वैसे तो हम सब सोसाइटीज में रहते हैं, लेकिन अगर मान लो दिल्ली की बात की जाए, तो दिल्ली में भी है मेरा घर, तो वहां पे एक्चुअली जब हम छत बनवाते हैं तो छत में क्या होता है, मतलब जो रूफ होती है तो उसके ऊपर एक वो करवाते हैं, प्लस्तर बोलते हैं उसे, और उसके ऊपर एक सीमेंट का घोल लगाते हैं। देखा है किसी ने सीमेंट का घोल एकदम, ताकि वो शाइनिंग हो जाए, चिकना हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं चिकना उसे? ताकि जब बाद में बारिश वारिश हो तो सीलन ना आ जाए। नहीं आया समझ? तुमने बहुत लोगों के घर देखे होंगे, बहुत लोगों के घरों में सिर्फ और सिर्फ ईंट की दीवार दिखती है, या ईंट की बाहर के बाहर जो प्लस्तर होता है, चॉकलेट से कलर का नहीं, स्लेटी से कलर का, स्लेटी कलर का वो होता है प्लस्तर। देखा है कभी किसी ने? मोस्टली लोगों के घरों में स्लेटी कलर का वो होता है ना, चिकना से किया जाता है उसे। क्यों? ताकि जब बारिश आए तो बारिश का पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए अंदर, वरना सीलन आ जाएगी। इसलिए लोग दीवार, जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो दीवार बना देते हैं, ईंट की दीवार दिखती है, ईंट की दीवार के घर दिखते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना पड़ता है, ईंट की दीवार बनाने के बाद प्लस्तर करना पड़ता है, ऐसे देखा होगा तुमने। ठीक है श्रेया, याद है तुम्हें? इस तरीके से ऐसे चिनाई बोलते हैं उसे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, घोल लगाते हैं सीमेंट का, ताकि वो बाद में सूखने के बाद कोई भी पानी अंदर ना जा पाए, बाहर से ही बाहर रह जाए, तो सीलन अंदर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। वेरी गुड शाबाश। तो रफ सरफेस से मोर एब्जॉर्प्शन होगा और स्मूथ से ज्यादा, मतलब कम। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अगर तुमने अपने, अगर तुम आगे जाके अपना घर बनाओगी ईंट का, ठीक है, तो अगर तुमने सिर्फ ईंट की दीवार बना दी, तुमने कहा कि नहीं नहीं तो फालतू का खर्चा हम नहीं करवा रहे सीमेंट वीमेंट, तो फिर तुम्हारे घर में सीलन आ जाएगी। तो इसलिए हमें वो करवाना ही पड़ता है। जब तुम ILC की बिल्डिंग आओगे ना नई वाली में, तो देखना हमने पूरे में प्लस्तर करवाया, ऑल्दो हमारे उसमें तब भी सीलन आ गई थोड़ी बहुत, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो एक लौता वहाँ पे उस बिल्डिंग में काम चल रहा है। हाँ कंटिन्यूअसली वहाँ पे एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे थोड़ा वैसा सीन चल रहा है एक्चुअली, यार मैं क्या बताऊँ, मतलब पुलिस वाले है ना ये, समझो वहाँ पे एक्चुअली वो वाला जो एरिया है ना, थोड़ा